दोस्तों, चाहे इंसान हो या पक्षी, घर बनाना सबके लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ पाल सके, धूप बारिश और ठंड से बचा सके। जैसे हम इंसान कुछ विशेष प्रकार के घर बनाते हैं, वैसे ही कुछ प्रकार के पक्षी भी विशेष प्रकार के घर बनाते हैं, जिन्हें देखकर हम इंसान भी हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे पक्षियों के बारे में जानेंगे जिन्हें पंछियों की दुनिया का आर्किटेक्ट इंजीनियर कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ वाला बेल आइकन भी दबा दें। वीवर बर्ड, यह पक्षी अफ्रीका के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। यह अपना घोंसला जौ, घास और ताड़ की पत्तियों से बनाता है। नर पक्षी प्रत्येक मेटिंग सीजन में नया घोंसला बनाता है। घोंसला बन जाने के बाद मादा को रिझाता है। मादा इन घोंसलों का निरीक्षण करती है, फिर अच्छा लगे तो दोनों साथ साथ इस घोंसले में रहते हैं, जहां वे अपने बच्चे को पालते हैं। दोस्तों, ये पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए एक ही पेड़ पर इनका एक कॉलोनी बन जाता है। और दोस्तों, इनका घोंसला वाटरप्रूफ होता है और इतना मजबूत होता है कि किसी भी तरह का आंधी तूफान आने पर भी ये घोंसला नहीं टूटता है। इंडिगो बंटिंग, यह एक प्रवासी पक्षी है। प्रजनन काल में यह पक्षी कनाडा से उत्तरी अमेरिका और ठंड के मौसम में अमेरिका से कनाडा प्रवास करती है। दोस्तों, यह पक्षी रात में प्रवास करती है और अपना रास्ता तारों के माध्यम से तय करती है। जैसे पहले लोग तारों को पढ़ना जानते थे, ठीक वैसे ही ये पक्षी खेतों, झाड़ियों में रहना पसंद करती है। इसका घोंसला छोटे से कप के आकार का होता है, जिसमें 3 से 4 अंडे देती है। इसके बच्चे 9 से 12 दिनों में घोंसला छोड़ देते हैं। रेड ओवन बर्ड, दोस्तों यह पक्षी अमेरिका में पाया जाता है और अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी अपना घोंसला मिट्टी और घास से बनाती है। यह अपना घोंसला 7 से 10 दिनों में पूरा कर लेती है और 3 से 4 अंडे देती है। इसके बच्चे 60 दिनों में उड़ जाते हैं। बच्चों को नर और मादा दोनों खाना खिलाते हैं। बुलबुल बर्ड, दोस्तों इस पक्षी को तो आप जानते ही होंगे, है ना। इस पक्षी का आकार छोटा होता है और यह पक्षी अपने मधुर गाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यह पक्षी प्रजनन काल में मधुर गाना मादा को रिझाने के लिए गाता है। घोंसला मादा पक्षी बनाती है। घोंसला बनाने के लिए जड़ों और पत्तियों का इस्तेमाल करती है। मादा पक्षी लगभग 5 अंडे देती है। बच्चे 1 हफ्ते तक घोंसले में रहते हैं, फिर उड़ जाते हैं। नर और मादा दोनों बच्चे को खाना खिलाते हैं। बुलबुल पक्षी 1 से 2 साल तक जिंदा रहते हैं। मोंटेजुमा एरोपेंडोलास, दोस्तों यह पक्षी अमेरिका, मेक्सिको और पनामा में पाया जाता है। यह बड़े आकार का होता है और ये पक्षी समूह में रहना पसंद करते हैं। इनके एक कॉलोनी में लगभग 130 घोंसले हो सकते हैं और इनका घोंसला 2 से 6 फीट लंबा हो सकता है। यह पक्षी घने जंगल में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, घोंसला मादा पक्षी बनाती है और सुरक्षा की जिम्मेदारी नर पक्षी पर होता है। इनके एक समूह में एक अल्फा नर होता है, जिसका सभी मादा पक्षी पर अधिकार होता है और बाकी नरों के लिए कुछ मादा होती है जो कम सुंदर होती है। ये पक्षी 2 सफेद अंडे देती हैं। पफिन बर्ड्स, दोस्तों यह पक्षी समुद्रों के किनारे बड़े झुंड में रहना पसंद करती है। ये पक्षी अपना घोंसला जमीन के नीचे घास फूस से बनाते हैं, जो इन्हें समुद्र की ठंडी हवाओं और बारिश से बचाते हैं। इनका चोंच रंगीला होता है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये पक्षी पानी के अंदर तैरकर मच्छी को पकड़ते हैं, जब तक कि इनका चोंच भर न जाए। ये पक्षी लगभग 30 साल तक जिंदा रहते हैं और जब तक ये पक्षी 3 से 6 साल के नहीं हो जाते, ये संबंध नहीं बनाते हैं। क्वेजल बर्ड, दोस्तों इस पक्षी को मुख्यतः दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी कहा जाता है और यह पक्षी ऊंचे पहाड़ों में और घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जहां पे ये पक्षी फल, कीड़े और दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं। जब इनके मिलने का समय आता है तो नर पक्षी का 2 लंबा पूंछ निकलता है, जो 1 मीटर लंबा होता है। इनके बच्चे 3 हफ्ते में उड़ जाते हैं। नर इन लंबे पूंछों से मादा को रिझाते हैं। क्विजाल पक्षी ग्वाटेमाला का राष्ट्रीय पक्षी है और वहाँ की करेंसी का नाम भी क्विजाल है। यह अपना घोंसला पेड़ के तने में छेद करके बनाता है। रॉबिन बर्ड, दोस्तों यह छोटे आकार का पक्षी होता है और झुंड में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, यह चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर, सुने घर में, पाइप में, कहीं भी बना लेता है। घोंसला घास के तिनकों से या दूसरे पक्षियों के पंख से बना लेती है। यह पक्षी मुख्यतः 3 से 5 अंडे देती है और यह पक्षी इंग्लैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। वोगल कॉप पावर बर्ड, दोस्तों यह पक्षी अपने घर को सजाने के लिए किसी इंसान से कम नहीं है। हालांकि ये सब ये मादा पक्षी को रिझाने के लिए करता है। देखिए कैसे ये पक्षी एक घर बनाता है और उसमें चमकीले फूल, पत्तियां और फल भी लाकर रखता है। जब ये खराब हो जाते हैं तो बाकायदा ये उसे हटा देते हैं और दूसरे फूल पत्तियां उसके जगह पे लाके रख देते हैं। इन चमकदार चीजों की वजह से मादा इसके पास खींची चली आती है। दोस्तों, लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते हैं, पर इस प्यार ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा।
टेलर बर्ड। दोस्तों यह पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की पत्तियों को आपस में सिलकर बनाती है, जैसे कोई टेलर कपड़ा सिलता है, ठीक वैसे ही, इसीलिए इसका नाम पड़ा है टेलर बर्ड। दोस्तों यह पक्षी पत्तियों को सिलने के लिए रेशम सिल्क और पेड़ों के छाल को रस्सी के जैसे इस्तेमाल करती है। यह पक्षी पत्तियों को सिलने के बाद उसमें नरम फूलों पत्तियों को या कपास को इसके अंदर डाल देती है, जिससे उसका घोंसला गद्देदार बन जाता है।